अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज ग्रो योर ओन के अंदर हम एक और ज़बरदस्त चीज़ देखेंगे कि किस तरह से हम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूं, और जो घर के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं उनसे ही हम किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। तो आज भी जो है वो मैं बात करने लगा हूँ, जैसे आप देख चुके हैं, बात कर रहा हूँ मैं बिटर गोर्ड की। बिटर मेलन भी कहते हैं इसको, और करेला जो है वो हम इसको कहते हैं। जैसे इसका नाम है बिटर, तो इस तरह से इसका टेस्ट भी जो है वो वैसे ही कड़वा होता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होता है। मेडिसिनल जो है उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, और इसको इजी है बहुत ही ज़्यादा जो है वो ग्रो करना, बहुत ही आसान है। और इसका अगर आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल येलो कलर का हो चुका है। तो ये मैंने अभी आपको ये अपने वाइन से जो है वो निकाल के दिखाया है। तो ये पूरी तरह से पक चुका है, और अब जो हमें इसके सीड्स मिल सकते हैं, कहीं से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं वहाँ पर अगर आपको इस तरह का कोई ऐसा करेला दिख जाता है, थोड़ा सा वो पका हुआ हो ज़्यादा, तो वहाँ से आप उसको ये लेकर और उसके अंदर से जो सीड्स होंगे वो निकाल कर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी टू ग्रो है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो सकता है। और इसका जो प्लांट होता है वो वाइन प्लांट होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो है वो लंबी लंबी वाइन्स होती हैं, तकरीबन जो है वो 13 से 16 फुट जो है वो। अगर आप उसकी प्रूनिंग नहीं करते तो ये आपकी वाइन जो है वो इस तरह से बढ़ती रहती हैं और फ्रूट्स जो है वो आपको देती रहती हैं। इसके येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक मेल होता है और एक फ़ीमेल होता है। और जो फीमेल फ्लावर होता है वो जो है वो आपको ये प्रोड्यूस करके देता है, करेला जो है वो उस पर लगता है। मेल जो है वो फ्लावर आपका प्रोड्यूस नहीं करता। तो बहुत ही इजीली आप जो है उसे ग्रो कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कि किस तरह से हम इनके सीड्स को जो है वो लगा सकते हैं और कैसे इनकी जो है वो केयर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो देखते हैं कि अब किस तरह से क्या प्रोसीजर है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने वेजिटेबल या सब्ज़ी जहाँ से आप लेते हैं वहाँ से आपने जो है वो इस तरह से थोड़ा सा पका हुआ जो है वो करेला आपने ले लेना है। अब जो मैंने अपनी वाइन से निकाला है तो वो मैं आपको यहाँ पर कट करके दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितने सारे सीड्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो ये रेड आपको नज़र आ रहा है, ये जो लाल है, ये उसके ऊपर का कवर है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली वो सीड मौजूद होगा जिसे हमने लगाना है। और अगर आपको यहाँ मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छे से ये ग्रो हो चुका है, और पूरी तरह से अच्छे से जो है वो ये पक गया है। इतना पक गया कि ये इसके जो सीड्स हैं ये अब लाल कलर की जो है वो इसके ऊपर कवरिंग हो गई है, और इनके कवर से जो है वो अगर ये देखें, मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाऊँ तो ये बहुत ही जो है वो ज़्यादा इस तरह से जो है वो इसको मैं इसके अंदर से ये जो ब्राउन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये इसका बेसिकली वो सीड है जो आपने लगाना है, और इससे जो है वो आपको प्लांट ग्रो कर देगा। तो ये मैंने इस तरह से जो है वो इसके अंदर से कलेक्ट कर लिए हैं, और बहुत सारे जो है वो इसके अंदर सीड्स मौजूद थे। तो ये मैंने कुछ आपको यहाँ पर निकाल कर जो है वो दिखा रहा हूँ मैं, और ये बाकी इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके अंदर से जो है वो इसको निकाल लेंगे। तो बहुत ही ईजिली जो है वो आपने जहाँ से भी आप करेला वगैरह आपको मिलता है आप वहाँ से लेकर आप इसके जो है वो सीड्स को यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि जी पैकेट कोई बहुत स्पेशल पैकेट की जो है वो आपको सीड्स की ज़रूरत हो कि जी फ़लाँ से आप पैकेट लें और यहाँ से आप सीड्स लें तो वहाँ से लें। आप अपने घर में आई हुई चीज़ से जो है वो ये ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मैं पॉट के अंदर जो है वो सीड्स को रख रहा हूँ। आप किसी भी छोटे पॉट के अंदर, बड़े पॉट के अंदर जो है वो आप इस तरह से सीड्स लगा सकते हैं, और ऊपर से थोड़ी सी आप पतली सी जो है वो लेयर सॉइल की जो है वो आप ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो है वो आप उसके अंदर पानी डाल देंगे। तो बहुत ही आसानी से आप अपने घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर आपके पास पॉट भी नहीं है तो आप किसी भी ऐसे प्लास्टिक के जो है वो बर्तन में या कोई बॉल वगैरह जो भी चीज़ आपको मिलती है आप उसके अंदर ईजीली जो है वो ये ग्रो कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊंगा अभी, और इसके अंदर देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। फर्स्ट टाइम जो है वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो अच्छे से बैठ जाए। अभी जो देख सकते हैं मैंने ये कुछ अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाई थी, तो ये सीड लगाने के चौथे, पाँचवें और सातवें दिन का आप फ़र्क देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ये ग्रो हुआ है। तो देखिए इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद जो है वो आपको इस तरह से फ्लावर्स निकलेंगे। फ्लावर्स के अंदर से जो है वो इस तरह से छोटे छोटे करेले आपको इंशाल्लाह नज़र आएंगे। तो बहुत आसानी से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। फुल सनलाइट की ज़रूरत है इनको, और इनको जैसे मैंने रखा हुआ है वो फुल सनलाइट के अंदर रखा हुआ है। पानी की इनको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने आपको पानी का बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया हुआ है कि जब आपको इसकी मिट्टी ड्राई लगे तब आपने इसको पानी देना है, अदरवाइज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप भी अपने घर में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और ये देखें बहुत ही अच्छे साइज़ के अंदर जो है वो ना बहुत ज़्यादा छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसका अगर जो स्ट्रक्चर होता है वो अगर आपको मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, इसके जो वाइन के स्ट्रक्चर में, तो हर एक इसका पैटर्न ऐसा है कि इसका एक लीफ होता है, एक फ्लावर होता है, और एक इसके टेंड्रिल्स होते हैं। जो ये आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये इसके टेंड्रिल हैं जो कि ये अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और ऊपर क्लाइंब करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ इसको मिलेगी ये उसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। और देखें यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो बिल्कुल फ्रेश करेला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।